रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आपके पास रिकॉर्डिंग आ रही है? कैन यू सी जी द सर, बिंग यस सर, रिकॉर्डिंग? चलो, स्क्रीन आपका विजिबल है? ठीक यस सर, है, बोर्ड भी विजिबल है? यस सर। तो चैप्टर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 इज अबाउट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। सो अगेन हम एक मेन जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, व्हाट इज दिस भाई, आप अपने जो है ना यहाँ पे चलाकियाँ ना मारे हैं। कंट्रोल ना करा इस तरह में, गुस्सा कर गया। गलती से तो नहीं हो गया? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आर एन अदर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देयर वर्किंग प्रिंसिपल इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द बीजेटीज, राइट? दीज आर ऑल्सो थ्री टर्मिनल डिवाइसेस। ओके, सो वी विल सी हाउ दीज डिवाइसेस वर्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स विच आर बीइंग मेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, राइट? सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आर ऑल्सो यूज इन द सेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन विच बीजेटीज आर यूज, राइट? दैट इज यू हैव स्टडीड बीजेटी, इन विच बीजेटी कैन बी यूज इन डिजिटल एप्लीकेशन एंड एज वेल एज एनालॉग एप्लीकेशन। इन डिजिटल एप्लीकेशन बीजेटी इज यूज एज अ स्विच, ऑन ऑफ स्विच, जिससे आप आईसीज, डिजिटल आईसीज जो है ना वो डिफरेंट देखते हैं, लॉजिक गेट्स देखते हैं, ठीक है, प्रोसेसर हैं, और जो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जितने भी चिप्स इंप्लीमेंट होती हैं उसमें यही ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि ऑन ऑफ मोड में यूज होते हैं, कट ऑफ और सेचुरेशन में इन केस ऑफ बीजेटी। और एनालॉग एप्लीकेशंस में ये डिवाइसेस यूज होती हैं एज एन एम्पलीफायर, जिसमें कि आपने देखा कि बीजेटी को हमने एज ए एम्पलीफायर किस तरह से यूज किया, ठीक है। सेम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स एज वेल। दीज ट्रांजिस्टर्स आर आल्सो ऑफ थ्री टर्मिनल, राइट? बट दे पॉजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर बेटर देन बीजेटी, सही? इन सम एस्पेक्ट बीजेटी एफिटीज आर मोर सूटेबल देन बीजेटी, ठीक है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बीजेटी से ज़्यादा इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है इन सम एस्पेक्ट्स, और कुछ एप्लीकेशंस में और कुछ एस्पेक्ट्स में बीजेटीज आर डोमिनेंट। जैसे कि डिजिटल सर्किट्स में आप देखा हो तो डिजिटल सर्किट्स में आपके जो एफिटीज हैं दे आर वाइड मोस्टली यूज्ड, सही? इनका जो साइज है, कंस्ट्रक्शन जब आप इसकी देखोगे तो इसके जो इट कैन बी मेड स्मॉलर देन बीजेटी, ठीक है। तो साइज के परस्पेक्टिव में एफिटीज जो है ना इनका साइज एज कम्पेयर टू बीजेटी साइज जो है ना इनका कम होता है, ठीक है। सो दे कैन बी एम्बेड और मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन अ स्मॉलर स्पेस, ठीक है। तो आईसी के अंदर आप देख सकते हैं कि एक छोटे से एरिया में किस तरह से मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर आईसी, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं? यस सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी टाइप्स हैं एफिटीज की। तो एफिटीज स्टैंड्स फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसकी जो मेन आप टाइप्स देखें तो देयर आर टू टाइप्स। वन आर कॉल्ड जी एफ ई टी ओके एंड अदर आर कॉल्ड मॉस एफ ई टी। सो व्हाट आर जी एफ ई टी? जी एफ ई टी आर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। जे फॉर जंक्शन राइट। व्हाट आर मॉस एफ ई टी? मॉस एफ ई टी आर मेटल ऑक्साइड सेमी कनेक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। सो जब हम इन डिवाइसेस की वर्किंग देखेंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो फिर हमें आइडिया होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, मॉस एफ ई टी कौन से हैं और जी एफ ई टी कौन से। ठीक है। इसके अलावा भी और डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं एफ ई टीज, बट इस कोर्स में हमने इन दो के ऊपर फोकस करना है। फर्दर अगर हम जे एफ ई टीज को देखें तो वी हैव टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एन चैनल जे एफ ई टी एंड अदर वन इज कॉल्ड पी चैनल जे एफ ई टी। राइट जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? हेलो। ठीक है। तो जिस तरह से आप बीजेटी में आपने दो टाइप्स देखी थी, पीएनपी एंड एनपीएन, तो इस तरह से आपको एफिटीज में भी दो डिफरेंट जी नॉन सिमेट्रिक डिवाइसेस मिलती हैं, पी चैनल एंड एन चैनल। ठीक है। मॉसफेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर इनटू सब क्लासेस एज one is called D MOSFET, the other one is called E MOSFET. Right? So MOSFET की दो टाइप्स हैं, one is D MOSFET and other one is E MOSFET. What is D MOSFET? Depletion type MOSFET, and this one is enhancement type MOSFET. So depletion type क्या होता है और enhancement type MOSFET क्या होता है, ये भी जब हम इनकी construction देखेंगे और इनका जो working है उसको देखेंगे तो उस वक्त क्लियर होगा। अभी जस्ट आप नोट डाउन करें कि ये डिफरेंट टाइप्स के MOSFETs और FETs हैं। डी MOSFET के भी फर्दर दो टाइप्स बनते हैं। वन इज कॉल्ड एन चैनल, the other one is called p channel, right? और e MOSFET में भी फर्दर आप दो टाइप्स हैं, वन इज p channel एंड अदर वन इज n channel. ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। तो ये वाले जो डिवाइसेस हैं
ई मॉसफेट, ये आईसीज के अंदर, चिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो आपके इन्वर्टर्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, उनमें और प्रोसेसर्स के अंदर ये डिवाइसेस 90% से ऊपर ये वाली डिवाइसेस, या यू कैन से 99% यही डिवाइसेस यूज होती हैं ई मॉसफेट। ठीक है, दिस वन इज मोस्ट सूटेबल फॉर आईसी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और इसमें जो सबसे नीचे बॉटम पे देखें तो हर टाइप जो है, हर टाइप की दो, आपके पास दो टाइप्स की डिवाइस बनती हैं हर क्लास में, एन चैनल एंड पी चैनल। चाहे इसको देखो, इसमें भी आपकी एन चैनल पी चैनल, और इसको देखो तो इसमें भी एन चैनल और पी चैनल डिवाइसेस आपको अवेलेबल हैं। सही, मतलब नोट कर लिए? ये सर कर लें। जहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। सर ये जो बीजेटीज और लाइक अब हम एफईटीज पढ़ रहे हैं तो एफईटीज किस लिहाज से, मतलब कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसमें एफईटी बीजेटी से ज़्यादा बेटर है? ठीक है, चलो मैं इसका आंसर करता हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, लेकिन मैं आपको इसको टू द पॉइंट आपको बताता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले इस फिगर पे आते हैं। सो इन दिस फिगर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड इन फिगर पार्ट ए देयर इज अ बीजेटी, एंड इन फिगर पार्ट बी यू हैव एन एफईटी, राइट? बोथ आर थ्री टर्मिनल डिवाइसेस, राइट? यू नो बीजेटी हैव थ्री टर्मिनल्स, बेस, कलेक्टर एंड एमिटर। बेस इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट टर्मिनल, राइट? एंड दिस टर्मिनल कंट्रोल्स द करंट इन टू दी थर्ड टर्मिनल, राइट, विच इज कलेक्टर हियर। सो बेस टर्मिनल कंट्रोल्स द करंट इन द कलेक्टर टर्मिनल, राइट? सो फॉर बीजेटी, is controlled by BJT would be a control device. So this is this current, you have modeled this device with a constant current source. In analysis you have seen current source, so this would be a current control. The current controlled, it was a current. The FET terminal, this one would be drain terminal, this would be source terminal. Okay? Whatever type of the FET would it be, whether it is JFET or MOSFET, these would be the three terminals: gate, drain, and source. Okay? In this case, a gate terminal would be the controlling terminal, just like base was the controlling terminal in BJT. Here, the gate terminal would be the controlling terminal, and this terminal controls the current into the third terminal, which is in this case drain. So, this drain current would be controlled with this gate terminal, just like collector current was controlled with the base terminal. But the difference would be for FET, the voltage of this terminal would control the current level here. ठीक है, voltage change करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे current change होगा। यहाँ पे current change कर रहे थे, current को increase करते हैं या decrease करते हैं तो collector में current में change जो है वो reflect होता है, जबकि FET में यहाँ की जो voltage है that would affect the drain current, okay? Or will control the drain current, okay? So this would be a voltage controlled device. So one is voltage controlled and other one is current controlled, okay? So इसमें दोनों में ना पर्पस सेम है, दोनों में आपने थर्ड टर्मिनल में से करंट को कंट्रोल करना है,
लेकिन एक केस में आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू करंट और दूसरे केस में उसको कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो बनेगा, ये जो डिवाइस होगी, इसमें जो ये करंट सोर्स बनेगा, दैट वुड बी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। तो इट वुड बी अ करंट सोर्स बट इट वुड बी वोल्टेज कंट्रोल्ड, ठीक है। तो इसको ना हम लिखते हैं, इसमें जो करंट सोर्सेज हैं, डिपेंडेंट करंट सोर्सेज, दिस इज कॉल्ड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, दिस वुड बी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। इन बोथ केसेस दे वुड बी करंट सोर्सेज, बट इन वन केस इट वुड बी करंट कंट्रोल्ड एंड इन अदर केस इट वुड बी वोल्टेज कंट्रोल्ड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा था, इट वाज बीटा आई बी, ठीक है। सो द करंट आई सी वाज कंट्रोल्ड थ्रू आई बी, ठीक है। दिस करंट वाज कंट्रोल्ड विद आई बी, दिस करंट आई डी वुड बी कंट्रोल्ड विद सम, ये आप बाद में देखेंगे, जी एम वी जी एस, वेयर वी जी एस इज द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। सो दिस वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, गेट टर्मिनल इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल, द वोल्टेज ऑफ द गेट वुड कंट्रोल दिस करंट, ठीक है। एंड दिस वुड बी द पैरामीटर, जो कि आपका कांस्टेंट पैरामीटर, इस केस में बीटा है, इस केस में आपका जी एम होगा। जी एम इज कॉल्ड द ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर फॉर द एफईटी, ये आप चैप्टर 7 में देखेंगे, सही है। सो दिस वी जी एस इन दिस केस, दिस वोल्टेज विल कंट्रोल दिस करंट, ओके। सो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से इन दोनों डिवाइसेस में फर्दर डिफरेंसेस हैं जिनकी बेसिस पे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो इसमें देखें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द एफईटी इज इट्स हाई इनपुट इम्पीडेंस, राइट। तो जो इनपुट इम्पीडेंस है, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर फॉर एन एम्पलीफायर, जो कि हमने चैप्टर 5 में भी आपने देखा होगा कि हर एम्पलीफायर में हम ये एक पैरामीटर फाइंड करते हैं, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस भी हमने फाइंड की थी और वोल्टेज गेन भी, लेकिन इनपुट इम्पीडेंस हम फाइंड कर रहे थे हर एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन के लिए। और फिर मैंने आपको एंड पे एक समरी टेबल भी दिखाया था, जिसमें कि आपने कंपेयर किया था उसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, कि किसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई है, किसकी इनपुट इम्पीडेंस मीडियम है और किसकी इनपुट इम्पीडेंस लो है, ठीक है। कुछ मे बी हम टाइम मिले तो हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि इनपुट इम्पीडेंस आइडियली क्या होनी चाहिए। किसी ने कोई अगर पढ़ा हो तो मुझे बता सकता है कि किसी एम्पलीफायर में इनपुट इम्पीडेंस आइडियली कितनी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए या मीडियम। सर आइडियली तो लो होनी चाहिए। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, असल में मैंने अभी इसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं किया कि इनपुट इम्पीडेंस आइडियली क्या होनी चाहिए और कौन सा एम्पलीफायर है जिसकी ना करेक्टरिस्टिक्स जो ना आइडियल होंगी, ठीक है। तो वो टेबल ना हमने कंपैरिजन तो किया था, लेकिन उन कंपैरिजन की बेसिस पे हम किस एम्पलीफायर को कहेंगे कि दिस वुड बी बेटर अमंग द अदर, ठीक है। तो इन तीन पैरामीटर्स की बेसिस पे ना हम एम्पलीफायर, किसी भी एम्पलीफायर को गेज कर सकते हैं उसके परफॉर्मेंस को, कि विच वुड बी द बेटर एम्पलीफायर अमंग द अदर्स, ठीक है। तो अगर हम उस तरफ बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको जस्ट अभी गाइडलाइन के लिए बता देता हूँ और बाद में हम देखेंगे कंसेप्चुअली भी कि इनपुट इम्पीडेंस हाई हो तो क्या फायदा है, लो हो तो क्या प्रॉब्लम है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होनी चाहिए। तो मैं ना अभी आपको आइडियल केस में बताता हूँ कि आइडियली हम क्या चाह रहे हैं कि इनपुट इम्पीडेंस क्या होनी चाहिए, आइडियल एम्पलीफायर जो है ना, पैरामीटर्स क्या होता है, ठीक है।
उसमें ये तीन पैरामीटर्स का हम देखना चाहेंगे, जेड इन, जेड नॉट और वोल्टेज गेन। पाथ करंट गेन को भी कर लेता हूँ। इनपुट इम्पीडेंस आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट, ठीक है ठीक है, और एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है। आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, राइट। सो इट इट शुड बी इन मेगा ओम, गीगा ओम, ठीक है। आइडियल ओपन होगा जो कि जिसके इनपुट इम्पीडेंस मेगा ओम्स गीगा ओम्स में जाएगी, ओम्स में ना हो। व्हाट शुड बी द आइडियल आउटपुट इम्पीडेंस? आइडियल आउटपुट इम्पीडेंस शुड बी जीरो, आइडियली इट शुड बी जीरो, ठीक है। जिस तरह से इनफाइनाइट है, ठीक है, इट शुड बी जीरो। और प्रैक्टिकली इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है, राइट। और व्हाट शुड बी द गेन? वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन आइडियली शुड बी इनफाइनाइट, एंड प्रैक्टिकली इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। करंट गेन शुड बी इनफाइनाइट एंड इट शुड बी प्रैक्टिकली एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है। अभी जस्ट ये आप नोट कर लें, ठीक है, कि आइडियल एम्पलीफायर कौन सा होगा, उसमें ये जो पैरामीटर्स हैं एम्पलीफायर के, उनकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए। तो उस समरी टेबल में आप जाके देखें कि कौन सा एम्पलीफायर है जिसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई है, आउटपुट इम्पीडेंस लो है, गेन उसका हाई है, ठीक है, वोल्टेज गेन और करंट गेन। वो एम्पलीफायर जिसमें के ये फीचर्स होंगे क्लोज टू आइडियल, दैट वुड बी द आइडियल एम्पलीफायर, दैट वुड बी द बेटर एम्पलीफायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें, ये कहता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द एफईटी इज इट्स हाई इनपुट इम्पीडेंस। इसका क्या मतलब है सर? यानी कि ये आइडियल जो हमारे पास मतलब एम्पलीफायर होता है उस तरह, मतलब उससे रिलेट कर रहे हैं उसकी इस करेक्टरिस्टिक को, कि ये इस लिहाज से ज्यादा बेटर है, उसके साथ मैच कर रही है कि इसकी इनपुट जो इम्पीडेंस है वो हाई है। So this is the important characteristic of the amplifier. For FET के अंदर जो है ना, वो आपके पास ये characteristic है कि इसकी जो input impedance है वो high होगी, ठीक है, high होती है, right? Yes, sir. Okay. अब ये वाला जो next line पढ़ा, typical AC voltage gains of BJT amplifiers are a great deal more than फॉर एफ ई टी। तो इसमें बीजेटी बेहतर है या एफ ई टी बेहतर है? इस स्टेटमेंट से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा कौन सा ट्रांजिस्टर ज्यादा सर बीजेटी ज्यादा बेहतर है? अब इस एस्पेक्ट में बीजेटी इज परफॉर्मिंग मच बेटर देन एफ ई टी, सही। तो इनपुट इम्पीडेंस में ये बेहतर है, गेन में ये बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चल रहे हैं। एफ ई टीज आर मोर टेम्परेचर स्टेबल देन बीजेटी। तो इसमें कौन सा बेटर होगा, एफ ई टी या बीजेटी? बीजेटी, सॉरी एफ ई टी सर। ओके गुड, ठीक है। तो जितना स्टेबिलिटी टेम्परेचर के अगेंस्ट बेटर होगी, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने से उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, रोबस्ट होगा वो डिवाइस, ज़्यादा रोबस्ट होगी वो डिवाइस जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो ज़्यादा रोबस्ट होगी, ठीक है। एफ ई टीज आर बेटर फॉर टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है।
और इसमें फिर लास्ट पे एफिटीज आर यूजुअली स्मॉलर देन बीजेटी, तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है ना उसमें बीजेटी से ना दीज कैन बी मेड स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू बीजेटी, ठीक है, एंड मेकिंग देम पर्टिकुलरली यस सर, यूजफुल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, ठीक है ना, आईसीज के अंदर ना दे आर बेटर कैंडिडेट, एफिटीज आर बेटर कैंडिडेट एज कम्पेयर टू बीजेटीज ड्यू टू दी इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी अगेंस्ट टेम्परेचर, बेटर स्टेबिलिटी अगेंस्ट टेम्परेचर, एंड दे कैन बी मेड स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू बीजेटी, ठीक है, यस सर। गुड। सर ये जो सेंसर्स होते हैं, मतलब टेम्परेचर सेंसर, जिसमें मतलब एफईटीज यूज हो रहे होते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स के अंदर बिल्कुल होते हैं, बीजेटीज भी यूज होते हैं और एफईटीज भी, मोस्टली ज्यादातर बीजेटीज यूज होते हैं क्योंकि सर ना लेकिन सेंसर एफईटीज तो टेम्परेचर ज्यादा स्टेबल है ना, तो फिर बीजेटीज क्यों यूज होते हैं? एक्चुअली ना बीजेटीज आर मोर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है, ओ अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ी सी भी चेंज वो डिटेक्ट कर या लेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो ज्यादा ओके बेटर परफॉर्म। तो अगर आप प्रिसाइज चेंजेस को देखना चाह रहे हैं टेम्परेचर में तो बीजेटीज आर बेटर कैंडिडेट्स। ओके गुड क्वेश्चन मैन, वेल ओके। नेक्स्ट इज अब हम देखते हैं कि वो मैंने जो लिस्ट आपको दिखाई थी एफिटीज की, उसमें सबसे पहले जो डिवाइस आती है वो है आपकी, क्या हो रहा है इसके बाद में, सबसे पहले आती है GFET, ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ GFET पे फोकस करेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर MOSFET पे जाएंगे, सही है। तो GFET में कौन कौन सी टाइप्स मैंने बताई थी, किसी सर, एन ने चैनल और पी चैनल। बिल्कुल सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि GFET की कंस्ट्रक्शन कैसी है। जैसे आपने BJTs में NPN और PNP को देखा था, यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से नजर आएगी। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल JFET, दिस एन चैनल JFET, सही है। तो पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से टर्मिनल्स हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने ये रीजन्स क्रिएट किए हैं इनके पर्पसेस क्या हैं, और वो हमें पता चलेगा कि जब हम इसके ऑपरेशन को स्टडी करेंगे कि ये डिवाइस काम कैसे करती है जब मैं इसको एक्सटर्नली बायसिंग करूँगा, तो वोल्टेज अप्लाई करूँगा। अभी ये जो फिगर नज़र आ रही है इसमें अभी कोई बायसिंग नहीं, मैंने अप्लाई नहीं की हुई, ठीक है, एक्सटर्नली जस्ट अनबायस्ड सिचुएशन में उसके रीजन्स मार्कना है। सो पहले चीज ध्यान में रखें कि जो ये डिवाइस है अगेन ये सेमी कंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, और अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सिलिकन मटेरियल से बनाई है, ठीक है, तो सिलिकन मटेरियल इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवाइस, और उसके अंदर फिर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से फिर हम उसकी डोपिंग करते हैं, और डोपिंग करके डिफरेंट रीजन्स क्रिएट करते हैं, और जब आप रीजन्स डिफरेंट रीजन्स क्रिएट करते हैं एन टाइप डोपिंग और पी टाइप डोपिंग के साथ, तो फिर वहाँ पे पी एन जंक्शंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक डायोड के अंदर आपने देखा था। तो एक साइड पे पी टाइप डोपिंग किया, एक साइड पे एन टाइप डोपिंग किया, तो पी साइड और एन साइड की विदिन बाउंड्री के ऊपर आपका एक पी एन जंक्शन क्रिएट होगा जब आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होगा और डिप्लीशन रीजन बनेगा, तो ठीक है, यस सर। डिप्लीशन रीजन आपको नजर आ रहे हैं डिवाइस के अंदर, कहाँ पे नजर आ रहे हैं डिप्लीशन रीजन? जी सर, ये पी के ऊपर जो कोटिंग हुई हुई है। बिल्कुल, ये पी के ऊपर कोटिंग है, ये बेसिकली ग्रे रीजन आपको ये पी और एन के दरमियान ये जंक्शन डिप्लीशन रीजन को इंडिकेट कर रहा है, तो एक रीजन आपका ये डिप्लीशन रीजन ये बन रहा है और एक रीजन आपका ये यहाँ बन, ठीक है, ये जो ब्लू रीजन है ये सारा का सारा एन टाइप डॉप्ड रीजन है, ठीक है, ये सारा
this whole lot region is n-type doped region. मतलब इस सारे रीजन के अंदर आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स. और इस रीजन में होल्स हैं, राइट? और फिर डीएन जंक्शन आ गया. और उसके बाद हमने इस डिवाइस को, चूंकि थ्री टर्मिनल डिवाइस है, तो इसके जो तीन टर्मिनल्स हैं वो हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए? वन इज एट द टॉप ऑफ दिस एन टाइप रीजन, जहाँ पे एक मेटालिक कॉन्टैक्ट ओमिक कॉन्टैक्ट के साथ आपने एक ड्रेन टर्मिनल यहाँ से बाहर ले लिया, ठीक है. और एक आपने इसी एन टाइप रीजन की बॉटम से एक और टर्मिनल ले लिया, ठीक है, बाहर. तो ये सेकंड टर्मिनल आ गया, ये फर्स्ट टर्मिनल आ गया. और जो आपने साइड्स के ऊपर पी रीजन्स क्रिएट किए थे, उन पी रीजन्स को दोनों में से कॉमन कर, दोनों को कॉमन करके एक टर्मिनल बाहर ले लिया. दिस वुड बी थर्ड टर्मिनल. ऐसा नहीं कि इधर से ले लिया और एक इधर से ले लिया, बल्कि दोनों सेम ही, इंटरनली दोनों लेना और एक ही बाहर आपको वायर मिल रही है, ठीक है, एक ही कनेक्शन मिल रहा है आपको बाहर, ठीक है. तो इफेक्टिवली आपके पास ये एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है, जो टॉप के ऊपर आपको रीजन टॉप से जो आपने टर्मिनल लिया उसको हम कहते हैं ड्रेन टर्मिनल, और जो बॉटम से लिया उसको आप कह लेते हैं सोर्स टर्मिनल, और वन इज द गेट टर्मिनल, ठीक है. ओके, सो अभी के लिए आप इन ड्रेन और सोर्स को अल्टरनेटिवली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. इस डिवाइस के लिए वन सेलेक्टेड इट वुड बी अ सोर्स टर्मिनल, ठीक है, इट वुड बी यूज्ड एज अ सोर्स टर्मिनल, ठीक है. यस सर. इसमें थोड़ा सा होता है मैन्युफैक्चरर के पार्ट पे कि वो आपको बता देता है, जो इसकी डाटा शीट होती है ना किसी भी पर्टिकुलर एफईटी की, उसकी डाटा शीट के ऊपर ना उस डिवाइस के टर्मिनल्स को मार्क करता है, ठीक है, बता देता है कि कौन सा ड्रेन होगा, कौन सा सोर्स होगा और कौन सा गेट होगा, ठीक है. डाटा शीट के ऊपर जो भी मार्किंग होगी उसी पर्सपेक्टिव, उसी को लेके आपने इस डिवाइस को यूज करना होता है, ठीक है. यस सर. राइट. अच्छा, अब ये ओमिक कॉन्टैक्ट हो गए. उसके बाद इसमें दिस इज कॉल्ड द चैनल, ठीक है, एन चैनल. दिस इज अ चैनल एंड दिस चैनल इज एन टाइप, ठीक है. ये जो दो पी एरियाज थे ना साइड्स के ऊपर, पी रीजन सेंटर पे, इन दो के दरमियान पे जो खाली रीजन आपको नजर आ रहा है और ड्रेन और सोर्स के बीच में से जो पाथ क्रिएट हो रहा है, जिसमें इफेक्टिवली आपको मैंने बताया कि चूंकि ये डिवाइस जो है ना वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स डिवाइस है, इसमें से ड्रेन करंट को आपने कंट्रोल करना है विद द वोल्टेज एट गेट, और जो ड्रेन करंट होगा दैट वुड फ्लो बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है, एंड इट वुड दिस वुड बी द चैनल फॉर द करंट टू फ्लो. तो करंट का जो फ्लो होगा उसका ये पाथ होगा जिसको हम चैनल कहते हैं, ठीक है. बिकॉज दिस करंट इज पासिंग थ्रू दिस एन रीजन सो इट इज कॉल्ड एन चैनल, एंड दिस डिवाइस वुड बी एन चैनल जीएफईटी. सर, आपको ग्राउंड वाला नहीं दिखा जिस तरह? अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह सर बीजेटीज के अंदर हम इमीटर को ग्राउंड करते थे या कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में हम कलेक्टर को ग्राउंड करते थे, तो इसमें सोर्स और ड्रेन में हमने किसी को मतलब ग्राउंड नहीं किया हुआ? अभी मैंने आपको ना बताया कि इसमें अभी मैं कोई बायसिंग अप्लाई नहीं कर रहा, अभी जस्ट आपको एक इसका स्ट्रक्चर दिखाया आपने, मैंने. ओके सर. और बाद में देखेंगे कि इसको भी मैं एज अ
कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट, कॉमन सोर्स यूज करूंगा, ठीक है, जब इसके बाइसिंग करेंगे। ठीक है सर। इसमें भी तीन टाइप्स की ड्रेन एम्पलीफायर, सोर्स एम्पलीफायर और कॉमन गेट एम्पलीफायर। ओके सर। अच्छा, इसका अगर मैं आपसे कहूँ पी चैनल जेएफटी कैसा नजर आएगा मुझे, तो इसके साथ कम इसी के बिल्कुल आप सोच सकते हैं कोड कैसे बनेगा। ये जो वो काम से होंगे ये पी रीजन होगा, राइट जो रीजन एन रीजन होंगे। यस सर। एग्जैक्टली, और उसमें भी ये ऊपर ड्रेन टनल होगा और सोर्स और साइड पे गेट, और गेट वैसे काम बना देगा, ठीक है। तो आपके पास एन चैनल भी आ गया और पी चैनल भी आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना उसने इस डिवाइस की एनालॉगी शो की है विद दी वाटर टैप, जिसमें वो कहता है कि देयर इज अ सोर्स एंड देयर इज अ ड्रेन एंड देयर इज अ गेट। तो जिस तरह से टैप में आप वाटर के फ्लो को इसके थ्रू, इसके जो वॉल्व है इसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, इस वाटर के फ्लो को आप कम ज़्यादा कर देते हैं ना, कर लेते हैं ना, ठीक है। टूटी को अगर आप खोलेंगे, ज़्यादा खोलेंगे तो पानी आएगा, और जैसे उसको बंद कर देंगे तो कट ऑफ हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, ठीक है। पानी के फ्लो को आप कम ज़्यादा करते हैं ना टैप से, सिंपल सी एग्जांपल है, बिल्कुल यही एनालॉगी हम तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से जिस तरह टैप के साथ आप वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे सेम इज रिक्वायर्ड फॉर दी transistor in which the gate terminal would control the current from source to drain, ठीक है, or drain to source, ठीक है। Actually जो electronic current है वो source to drain flow करेगा, और जो conventional current है हमारा वो drain to source होगा, तो conventional current इसके opposite होगा, ठीक है। So conventional current हमारा drain to source flow करेगा, जिसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसके फ्लो को कंट्रोल करना चाह रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ गेट टर्मिनल, ठीक है। दिस द एंड आई हैव द ऑपरेशन ऑफ डिवाइस एंड दैट करंट शुड बी कंट्रोल्ड बाय सम मैकेनिज्म, आइदर इट इज कंट्रोल्ड विद करंट of the controlling terminal or by the voltage of the controlling terminal. ठीक है, जो टैप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म जो भी हो, टैप को वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने का, या मैनुअल हो या इलेक्ट्रिक हो, वाटर के फ्लो को आपने दो टर्म से बनाया, फ्लो को मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है। इसमें भी आप देखेंगे गेट गेट टर्मिनल से मैं इस करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, इसके करंट को बिल्कुल ब्लॉक भी कर सकता हूँ, करंट को जीरो भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे वहाँ पे जब बीजेटी में बेस करंट जीरो होता था तो कलेक्टर करंट जीरो हो जाता था, बेस करंट इंक्रीज करते थे तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता था। तो इसकी ना करेक्टरिस्टिक जो है ना, जैसे आपने देखे हैं बीजेटी में, सेम टाइप और सेम बिहेवियर वुड बी एस्टैब्लिश्ड इन दीज डिवाइसेस एज वेल। यू कैन सी दीज करेक्टरिस्टिक कर्व्स दैट यू हैव सीन फॉर द बीजेटीज इन विच यू हैव सीन देम एज द कलेक्टर करेक्टरिस्टिक्स। कैन यू सी दीज करेक्टरिस्टिक्स एंड रिकोगनाइज कि ये क्या बीजेटी की ही हैं या एफईटी की हैं? उसमें कट ऑफ था, सैचुरेशन था,
उसको छोड़ दें, और नाम 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 कुछ भी रख लें, लेकिन जो इसका बिहेवियर है ना वो करेक्टरिस्टिक से आप जो इसका बिहेवियर होता है ना वो इनहेरेंट होता है इन टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिवाइस. सो दिस डिवाइस इज आल्सो बिहेविंग इन अ सिमिलर फैशन एज द बीजेट. ठीक है, अब इसमें भी देखें करंट बढ़ता जा रहा है ऊपर, जैसे आई बी जीरो था तो करंट जीरो था, कलेक्टर करंट, आई बी बढ़ाया तो करंट ऊपर चला गया, और बढ़ाया तो इंक्रीज करते गए तो करंट भी इंक्रीज करता है. यहाँ पे भी कुछ ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से ये करंट पहले जीरो है फिर बढ़ रहा है ऐसे ऊपर जा रहा है ऐसे. यस सर, अब वो पैरामीटर मैं बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि मैं किस इस चीज को किस तरह से लेके जा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हो रहा है. आई एम जस्ट कंट्रोलिंग दिस करंट, इंक्रीज करना डिक्रीज करना. yes, कैसे करना है आप देखें, यहाँ पे पहले करंट से चेंज हो रहा था, अब यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज इतनी है, वोल्टेज इतनी है तो करंट इतना है, वोल्टेज इतनी हो गई करंट यहाँ आ गया, वोल्टेज यहाँ चले गए करंट यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे वोल्टेज बढ़ रही है, पहले माइनस फोर थी फिर माइनस थ्री हुई, माइनस फोर माइनस थ्री इज हायर देन दिस. ठीक है, एंड सो दिस इज आई बी बढ़ रहा था, यहाँ पे वी जी एस इंक्रीज हो रही है. ठीक है, बट वी जी एस नेगेटिव साइड पे डिक्रीज हो रही है. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट उस वक्त मिल रहा है जब VGS जीरो पे, राइट. सो टेक अ वन मिनट ब्रेक एंड वी विल स्टार्ट इट अगेन. थोड़ा सा इसमें अब जाएंगे हम इसकी वर्किंग के ऊपर. ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे डिवाइस को हमने यूज किया. ओके सर. हेलो, जी वेलकम बैक. जी सर. कौन कौन बैठा हुआ? यस सर. यार मुझे ठंड लगना शुरू हो गई, मैं उठ के मैं स्वेटर पहन लूं. ये बताओ कि अली खान, नवाज अली खान है, आयशा जुबैर, उस्मान, यस सर, मुदस्सर, मुहम, तलहा किधर गए? हमारे इब्न कदीर बासी साहब किधर गए? एहसन कहाँ पे है? सर आज 19 मुझे लगता है छुट्टी पे है, सारे ज्यादातर 17 वाले हैं. नहीं सर, वो पहले कह रहे थे लाइट नहीं. अच्छा हाँ, कुछ लोगों का लाइट का बिल्कुल. आज 17 वालों को कैसे जाने का टाइम मिल गया सर? टाइम ही टाइम है, हम तो हर वक्त होते हैं.
ये चैप्टर तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ ना, स्नैन आपने पढ़ा हुआ पहले, नजम सर याद नहीं सर, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, बिकॉज लास्ट टाइम जस्ट ऐसे ही मतलब गो थ्रू किया था, तो चैप्टर सिक्स जो है ये मतलब इसका नहीं आइडिया था इतना कोई, मतलब पढ़ा हुआ है ऑब्वियसली, आपने पढ़ाया था लेकिन की कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब जस्ट पढ़ा ही हुआ था। इसमें से एक क्वेश्चन हर सूरत में आता है, पता है ना? जी बिल्कुल सर। तो इसको इस दफा फोकस करना इस पे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। यस सर। अभी आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है? नो सर। और कोई एनीवन एल्स? तलहा अकरम, नजम? नहीं सर, अभी तक तो जो आपने पढ़ाया समझ आ रहा। ठीक है, गुड। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं दोबारा। सबसे पहले ना हम अब हम बेसिकली इसको ना वोल्टेज अप्लाई करने जा रहे हैं इस डिवाइस को, जो इसके हमने तीन टर्मिनल्स देख लिया ना, इन तीन टर्मिनल्स के ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहला सिनेरियो जो है ना वो ये है कि हम अभी गेट के ऊपर वोल्टेज ज़ीरो रख रहे हैं और सिर्फ ड्रेन और सोर्स के दरमियान एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से कि ड्रेन के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज मतलब ड्रेन के ऊपर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में और विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, ठीक है? तो VDS इज सम पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है? ड्रेन इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सोर्स एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज इज जीरो। तो ये कंडीशन जो है ना, VGS जीरो का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान वोल्टेज जीरो रखनी है और दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट गेट और सोर्स के दरमियान एक शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो इसका मतलब गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज कितने हो जाएंगे? जीरो। मतलब जो वोल्टेज गेट पे है वही वोल्टेज सोर्स पे है, शॉर्ट सर्किट यही होता। और सोर्स को मैंने ग्राउंड किया हुआ है तो गेट पे वोल्टेज कितने होंगे? गेट भी ग्राउंडेड होगा, ठीक है? दिस इज द कंडीशन which results in VGS is equal to zero, ठीक है? ये जो चीज है, ये वाला शार्ट जो है ना, ये और चीज है। यहाँ पे ये हमने P regions को आपस में मिलाया हुआ, इसका वोल्टेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ऑफ कोर्स इसमें अगर गेट पे इस पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल है तो इस पॉइंट पे कितना होगा नजम? जी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है जी, तो इस पॉइंट पे कितना वोल्ट होगा? यहाँ पे भी जीरो होगा। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी जीरो होगा, ठीक है? तो इसका मतलब इस पी रीजन के ऊपर जितने वोल्टेज आ रहे हैं उतने ही इस पी रीजन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? ये जो बैटरी हमने लगाई है इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया है ड्रेन के ऊपर और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने लगा दिया सोर्स के ऊपर और सोर्स को कर दिया ग्राउंड, ठीक है? अब ये जो वोल्टेज होगी ड्रेन और सोर्स के दरमियान, इसको हम कह रहे हैं VDS, ठीक है? VDS इट इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स यहाँ पे मैं वोल्टेज जो बैटरी है ना इसकी वोल्टेज को मैं इंक्रीज करूँगा, ये वोल्टेज इंक्रीज करूँगा तो ड्रेन के ऊपर जो वोल्टेज है वो क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक वोल्ट पे सेट करता हूँ तो ड्रेन पे कितने वोल्ट आ रहे होंगे? 1 वोल्ट। इसको 2 पे ले जाता हूँ तो यहाँ कितने आ रहे होंगे? 2 वोल्ट। सोर्स पे जीरो ही रहेंगे क्योंकि सोर्स ग्राउंडेड है, तो यहाँ वोल्टेज मैं बढ़ाता जाऊँगा अगर मैं इस बैटरी को वेरी करता जाऊँगा तो, ठीक है? इस बैटरी वोल्टेज को इंक्रीज करता जाऊँगा तो इस जगह की वोल्टेज क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, जीरो से बढ़ती जाएगी, ठीक है? इस वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ ड्रेन के वोल्टेज को, इसको मैं जीरो रख रहा हूँ और इसको भी जीरो रख रहा हूँ, ठीक है?
अब इफेक्टिवली क्या होगा, आप जरा मुझे बताएं कि मैं अगर मैं इस डिवाइस को देखूं जो कि इनिशियली इस स्टेट पे थी, तो नजम आप बताएं कि अगर मैं यहाँ पे भी जीरो रखूं और यहाँ पे भी जीरो रखूं, तो ये जो डिप्लेशन रीजन है, इस डिप्लेशन रीजन की विड्थ के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या ऐसे ही रहेगा? सर इसका इसी तरह रहेगा, बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा, चूंकि वोल्टेज डिफरेंस नहीं है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान। ओके गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ड्रेन के ऊपर वोल्टेज में इंक्रीज करूँ, इस जगह के वोल्टेज बढ़ाना शुरू करूँ और इस जगह पे वोल्टेज जीरो ही रहे, तो इस डिप्लेशन रीजन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जहां पे मेरा भी माउस आ रहा है? सर छोटा हो जाएगा। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ड्रेन है और ये मतलब उसका कोई इससे डायरेक्ट तल्लक नहीं है। वैसे एनीवन एल्स? सेम रहेगा सर। अगर मेरे पास एक पी रीजन हो और एक एन रीजन हो और इसमें पी रीजन को मैं कर दूं फिक्स ग्राउंड पर, ठीक है, और एन रीजन के ऊपर मैं वोल्टेज बढ़ाना शुरू करूं, 1 वोल्ट करूं, फिर 2 वोल्ट करूं, फिर 2 वोल्ट कर दूं, फिर 3 कर दूं, तो यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन है इसके दरमियान उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? सोच के बताओ। सर वाइड हो जाता है। वाइड हो जाता है, बिल्कुल सही। मतलब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे डिप्लेशन पीएन जंक्शन का, तो उसकी जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ है वो इंक्रीज करेगी अगर आपने उसको रिवर्स बायस किया तो, और अगर फॉरवर्ड बायस किया तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होगी? डिक्रीज करेगी सर। तो अभी जो आपको ये फिगर मैंने बनाई है इसमें आप इस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं या रिवर्स बायस कर रहे हैं? रिवर्स बायस कर रहे हैं। बिल्कुल ये रिवर्स बायस हो रहा है, ठीक है। जब रिवर्स बायस हो रहा है तो ये डिप्लेशन रीजन की विड्थ है ना ये बढ़ेगी। यस सर। 1 वोल्ट पे इतनी हो जाएगी, 2 वोल्ट करूंगा तो और बढ़ जाएगी, 3 वोल्ट करूंगा तो और बढ़ जाएगी। ओरिजिनली ये यहाँ पे थी, जो जो वोल्टेज इंक्रीज किया इसकी विड्थ इंक्रीज कर देंगे। अगर मैं इसको माइनस करता जाऊं अब क्या होगा? सर अब छोटी होगी। अब ये कम होती जाए, जो जो यहाँ वोल्टेज इंक्रीज करता जाऊंगा नेगेटिव, ये डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम होती जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये डिक्रीज होती जाएगी, राइट? यस सर। गुड हो गया। अब यही चीज ना आप यहाँ पे देखोगे, जो जो मैं VDS को इंक्रीज करता जाऊंगा ना इस बैटरी से मैं ड्रेन टर्मिनल की वोल्टेज को इंक्रीज करता जाऊंगा, तो ये डिप्रेशन रीजन ऐसे फैलता जाएगा ऊपर, इसकी विड्थ ऊपर जो टॉप वाली साइड है पी रीजन की, जो टॉप साइड है जो कि एन जो ड्रेन साइड ड्रेन के करीब है, जो ज़्यादा ड्रेन के करीब है वो ज़्यादा इफेक्टिवली चौड़ी होती जाएगी, और जो नीचे वाली साइड है वो तकरीबन अनअफेक्टेड रहेगी या बहुत स्लाइट फर्क पड़ेगा, ठीक है। इस साइड पे कम फर्क इसलिए पड़ेगा कि इस पी रीजन और जो नीचे वाला जो सोर्स साइड है इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों सेम पोटेंशियल के ऊपर है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डाला हुआ आपने तो डिप्लेशन रीजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं वो भी इस तरह से कि एन टाइप साइड को एन टाइप रीजन को पॉजिटिव करते जाते हैं एज कंपेयर टू पी रीजन, तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक।
ठीक है. दूसरी चीज जो है ना वो ये है कि जितना इफेक्ट लेफ्ट साइड पे आएगा उतना इफेक्ट राइट साइड पे आएगा, सेम इफेक्ट. ठीक है, आइडेंटिकल जो है ना इफेक्ट दोनों साइड पे आएगा क्योंकि दोनों रीजन टाइड आता. ठीक हो गया. यहां तक बात समझ आ गई, अगर फिर हम आगे चलते हैं. बिल्कुल आ गया सर. ठीक है सर, आज के लिए इतना काफी है, वैसे फिर सर आगे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा. चलें ठीक है, मैं बस 5 एक मिनट दे दें फिर. और जी सर. अच्छा, अब इफेक्टिवली ना जब ये डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है तो कौन सी चीज जो ना इसकी वजह से मॉडिफाई हो रही है, चेंज हो रही है, कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, इस चीज का इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, कहीं पे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि कुछ? सर एन चैनल जो है उसमें क्या है? एन चैनल जो ब्लू रीजन आ रहा था ना इन दोनों के दरमियान, वो छोटा हो रहा है. वो जो इन दोनों के दरमियान चीज ने गुजरना था ना, उस चीज को गुजरने के लिए पाथ चुकड़ता जा रहा है, तंग होता जा रहा है, पाथ तंग होता जा रहा है. अगर मैं इसको और फैलाता जाऊं, ये जो ग्रे रीजन है, जो डिप्लेशन रीजन है, इसको और फैलाता जाऊं, फैलाऊं कैसे, यहाँ पे वोल्टेज और इंक्रीज करता जाऊं. अगर मैं यहाँ वोल्टेज और इंक्रीज करता जाऊँ, ये और फैलता जाएगा, और ये ऐसे फैलते फैलते ना इस रीजन को और स्क्वीज करता जाएगा. ठीक है जी सर. तो इसका इफेक्ट अल्टीमेटली ये होगा कि यहाँ से जो इस पाथ से जिसको हमने कहा था चैनल, ये चैनल जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगा और इफेक्टिवली ये करंट जो है ना वो चलना रुक जाएगा. ये ऐसे जैसे मैंने टैप की एग्जांपल दी थी कि मैं टैप का वॉल्व जो है ना उसके अंदर अगर जो एक्चुअल मैकेनिज्म है ना टैप के अंदर जो वॉशर लगी होगी, वो वॉशर जो है ना वो पाइप को ना ब्लॉक कर देती है. ठीक है, जब उसके टैप को टाइट करते जाते हैं तो पाथ को ब्लॉक कर देती है, तो पानी फ्लो नहीं कर सकता. ऐसे तो यहाँ पे भी इस पाइप है ना उसको बंद करते जा रहे हैं आप, तो इसके फ्लो को फिर आप रोक रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली अभी तो है आप गेट से नहीं कर रहे, ये ड्रेन से कर रहे हैं. आगे चल के आप देखेंगे कि यही वाले जो टर्मिनल हैं इनके रोल को मैं रिवर्स कर दूं, कि मैं यहाँ पे ड्रेन को जीरो पे रख दूं और गेट को मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूं, अब क्या होगा? सर ये डिप्लीशन रीजन छोटा होता जाएगा. ये फिगर जो मैंने बोर्ड पे बनाई थी ना, इसमें मैंने पहले क्या किया था, यहाँ पे गेट था, गेट पी टाइप था ना, और ड्रेन जो था वो एन टाइप था. मैंने इसको किया था ग्राउंड. अब मैं कहता हूँ नहीं, मैं इसको ग्राउंड नहीं करता, मैं करता हूँ इसको ग्राउंड. और यहाँ पे वोल्टेज मैं लगा देता हूँ -1, -2, -3, -4. ठीक है, अब क्या होगा? डिप्लेशन रीजन जो पहले ये था, अब क्या होगा, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सर कम हो जाएगा. उल्टा क्यों बताती हैं आप हमेशा? हमेशा तो है नहीं. सर जिस तरह अभी आप जो अभी आपने नेगेटिव बताया ना, आपने कहा कि आप नेगेटिव टर्मिनल लगा रहे हैं इस पे गेट के ऊपर, तो पी जो है वो होल्स हैं, तो वो जब अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ तो ये छोटा नहीं हो जाएगा? आप देखा करें ना, पी टाइप को मैं जब वोल्टेज पॉजिटिव लगाता हूँ तो जंक्शन हो जाता है फॉरवर्ड बायस, पी टाइप को मैं लगाता हूँ वोल्टेज नेगेटिव तो जंक्शन हो जाता है रिवर्स बायस. अब बताएं तो फिर वाइड होगा. एग्जैक्टली, ये तो वाइड होगा. जब मैं -1 करूंगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, -2 करूंगा तो और वाइड हो जाएगा. ठीक है, वाइडर होता जाएगा. तो इफेक्टिवली मैं अगर यहाँ पे वोल्ट इसको ग्राउंड करके इधर वोल्टेज नेगेटिव करना शुरू करूँ तो डिप्लेशन रीजन
इंक्रीज करता जाएगा, क्या ख्याल है? अगर ये ख्याल आपका ठीक है तो मैं यही चीज दोबारा से यही इफेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ फ्रॉम द गेट साइड, कि मैं गेट के वोल्टेज नेगेटिव करना शुरू कर दूं, पहले जीरो थे अब नेगेटिव करना शुरू कर दूं, तो ये जो डिप्लेशन रीजन है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अब इस दफा होगा ये कि ये इफेक्टिवली दोनों साइड पे सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी ग्राउंड किया हुआ मैंने, ये भी ग्राउंड किया हुआ, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। अभी मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता, इसके अब ट्राई करूँगा, मुझे पास मार्कर आ गया तो मैं आपको दिखा सकूँ, ये ना इस तरह से आएगा, ठीक है। जितना ऊपर बढ़ेगा उतना ही नीचे बढ़ेगा, उतना ही साइड पे बढ़ेगा, ठीक है, ये भी वैसे ठीक है ना। और वोल्टेज मोर नेगेटिव करूंगा तो ये और फैलेगा, ये भी फैलेगा, और एक दूसरे को टच कर देंगे और फिर चैनल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक तो है? सर अल्टीमेटली बेसिकली करंट की बात हो रही है, सारा मतलब करंट पे फर्क पड़ेगा, डिप्लेशन रीजन सारा फोकस जो है ना इस करंट के ऊपर, इसी के बिहेवियर को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं थ्रू दिस डिवाइस, जो कि आप यहाँ पे करेक्टरिस्टिक पे देख रहे हो, इस करेक्टरिस्टिक के ऊपर, ठीक है। यस सर, चलें फिर आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज कैसे जा रहे हैं, जीरो है, नेगेटिव हुए, अभी मैंने बताया था ना गेट के ऊपर जो वोल्टेज है मैं नेगेटिव करता जा रहा हूँ, देखिए नेगेटिव करता जा रहा हूँ, बिल्कुल सर सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वैसे आप इसे पॉजिटिव वोल्टेज क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, लाइक आप जीरो या नेगेटिव रख रहे हैं? ओके, अगर मैं वोल्टेज पॉजिटिव कर लूंगा ना तो फिर ये डिवाइस करंट को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, ठीक है, पॉजिटिव के ऊपर ना ये चैनल और खुलता जाएगा, ठीक है, जैसे चैनल पहले था ना, ठीक है, वो चैनल देखा फॉरवर्ड बायस में, ये चैनल जो है ना बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, तकरीबन ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, ठीक है, नेगेटिव में ही मुझे फायदा हो रहा है कि मैं इस चैनल को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। आप ये एक फिगर दिखाता हूँ जहां पे ना आपके पास ये सिनेरियो में ये सिचुएशन आ गई, इस चीज को कहते हैं पिंच ऑफ, जिसमें कि ये बिल्कुल चैनल बंद हो गया, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो जैसे नजम ने कहा कि थोड़ा सा अब स्लोली चलते हैं इसको अगले एक लग, अच्छा इसमें एक चीज और मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से कि क्या हम जुम्मे को कोई क्लास रख सकते हैं ताकि ना हम अगले वीक फ्री हो जाएं, एक क्लास जुम्मे को रख दें, एक सैटरडे को रख दें। सर सैटरडे को तो मुश्किल है क्योंकि हमारी फाइनल प्रेजेंटेशंस हैं सब्जेक्ट की, बैच 17 की प्रोफेशनल एथिक्स की, तो वो तो हमारा सारा दिन सैटरडे जो है वो उसमें कवर होगा। बाकी फ्राइडे जो है ठीक है आप रख लें, जुम्मे के बाद पूछ लें, ठीक हो गया, बस सही है, जुम्मे के बाद ना एक हम क्लास अरेंज कर लेते हैं ताकि अगले वीक लैब होगी, चलो डिस्कस करते हैं ना, वैसे तो लैब के बाद हम रख लें कोई टाइम, लेट आज में भी रख सकते हैं शाम को 7 बजे के बाद, यस सर 4 बजे के बाद रख लें, कोई इशू नहीं फिर, बस ठीक है, डन हो गया, चलें फिर, दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।